नमस्कार व्यूज, मैं हूं डॉक्टर सारिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे रिकरेंट ओवेरियन कैंसर की। इसका मतलब होता है कि आपने पूरी तरीके से ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट करा लिया है, आपने सर्जरी करवा ली और आपने कीमोथेरेपी भी करवा ली है और बीमारी दोबारा से वापस आ जाती है। इसमें ये लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो जिनको भी कैंसर होता है ओवरी का, वो ये पूछते हैं कि क्या हमारा रिकरेंस का रेट क्या है, कि क्या हम दोबारा बीमारी वापस आने का क्या चांस है। देखिए, वो रिस्क इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने सर्जरी कहाँ करवाई है। आपने उस डॉक्टर से सर्जरी करवाई है जो कि ओवेरियन कैंसर की सर्जरी करने में सक्षम है, और क्या सर्जरी के दौरान आपका पूरा ट्यूमर निकाला जा सका था, क्या कोई विजिबल डिजीज़ बाकी बची थी या नहीं बची थी। दूसरा, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है। जैसे कि अगर आपका स्टेज वन का कैंसर था तो आपके रिकरेंस के चांसेस जो हैं वो 10% होते हैं। अगर स्टेज टू का था तो रिकरेंस के चांसेस 30% होते हैं। अगर स्टेज थ्री का था, जो कि ज़्यादातर लोग स्टेज थ्री में ही आते हैं, तो जो रिकरेंस के चांसेस है वो 70-90% होते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिकरेंस के चांसेस होते हैं, और ये जो रिकरेंस है शुरू के 2 से 3 साल के बीच में होती है ज़्यादातर। और स्टेज फोर है वो 95% केसेस में ऐसा होता है कि दोबारा से डिजीज़ वापस आ जाती है। तीसरा जो ज़रूरी बात है जिसकी वजह से कैंसर का हमें पता चलता है कि ये रिकर कर सकता है, वो अग्रेसिवनेस ऑफ कैंसर होती है। कुछ कैंसर जो है वो कीमोथेरेपी, प्लैटिनम की जो कीमोथेरेपी, जो सबसे कॉमनली फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे रेजिस्टेंट होते हैं। वो ठीक तरीके से कीमोथेरेपी उन पर काम नहीं करती, तो इसीलिए उन लोगों को जल्दी रिकरेंस हो जाता है। यही मेन तीन कारण है जिसकी वजह से रिकरेंस होता है, और ये काफ़ी लोगों में देखा जाता है। धन्यवाद।